स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बीकॉम फाइनल ईयर में भी है, आप एमबीए में ले लो या कोई प्रोफेशनल कोर्स है सीएससीएम में, इनमें यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो ये टॉपिक होगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसमें देखो, आज वाला जो टॉपिक है उसको कैपिटल बजटिंग, तो इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही है। तो हम देखते हैं पहले कैपिटल बजटिंग होता क्या है। इससे पहले हम आपको बताएं कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं कि भाई आइदर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म असेट, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म असेट या प्रोजेक्ट। आप लॉन्ग टर्म असेट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर शॉर्ट टर्म असेट या जो डे टू डे में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म असेट में इन्वेस्टमेंट होता है, उसका जो टेक्निक हम फॉलो करते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। टेक्निक जो फॉलो होता है उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसको डे टू डे इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आपको सबसे पहला हम मोज बताते हैं भाई, कैपिटल बजटिंग मीनिंग समझ में आ गया कि जब आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके लिए जो टेक्निक आप फॉलो करते हो उस टेक्निक को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो किस तरीके से हम डिसाइड करें भाई इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो इसके लिए दो है। एक तो आप कैश फ्लो पे, आप प्रॉफिट के बेस पे देखते हो, प्रॉफिट के बेस पे या फिर कैश फ्लो बेस पे। मतलब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, यदि आपको प्रपोजल आया तो आप उसको डिसीजन में कैसे लोगे, आइदर प्रॉफिट या फिर कैश फ्लो। तो यदि प्रॉफिट बेस पे होगा, प्रॉफिट को बेस मानोगे या कैश फ्लो को बेस मानोगे। यदि प्रॉफिट को बेस मानोगे तो उसमें टेक्निक है हमारा एआरआर, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड ही बोलते हैं। और दूसरा आता है आपका कैश फ्लो बेस पे, आपका एक तो पेबैक मेथड और आपका एक डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में आपका एनपीवी हम पढ़ेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये तीन मेथड पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको तीन कैश फ्लो बेस पे आपको तीन मेथड है कि पे बैक और डिस्काउंटिंग टेक्निक में आपका तीन है, एनपीवी पीआई और आईआरआर। अब आता है कि जो एआरआर है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एआरआर और पीआई, एआरआर और पे बैक, इसको हम ट्रेडिशनल टेक्निक बोलते हैं। जबकि आपका एनपीवी पीआई और जो आईआरआर है उसको हम मॉडर्न टेक्निक बोलते हैं। भाई मॉडर्न टेक्निक इसलिए बोलते हैं, बेसिकली इसमें क्या है ना, इसमें डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब होता है यहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम वो देखते हैं कि भाई आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है वो, उसको भी हम कंसिडर करते हैं कि आज जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कल का एक रुपये के बराबर नहीं है, तो उस चीज़ को, उस टेक्निक को यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो इसका मतलब आप इसमें क्लियर हो गए होंगे कि भाई हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म आइदर शॉर्ट टर्म, और जो लॉन्ग टर्म में एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो वो दो टाइप के टेक्निक यूज करते हैं, एक प्रॉफिट या कैश फ्लो, प्रॉफिट बेस पे एआरआर, कैश फ्लो बेस पे पेबैक और डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब हम पहले पढ़ते हैं कि एआरआर कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आपका जो एआरआर है, तो एआरआर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसमें है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब आता है ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन एंड टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट है तो वो कैसे निकाला जाए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ जितने साल का प्रॉफिट होगा, ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, जितने साल होगा नंबर ऑफ ईयर,
तो और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? यदि आप एवरेज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सरफेस वैल्यू बाय टू। तो मतलब जो इसे आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो और जो मशीन खरीदते हो उसका जो सर्विस वैल्यू होगा अपॉन में टू, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो पहला पॉइंट आता है कि आपका प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट क्या है? आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो इसका मतलब जब भी आपको प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया होगा तो उसमें से सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे सबसे पहले आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर आप लेस करोगे टैक्स, फिर टैक्स लेस करोगे तब जाके आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ये चीज आपको गिवेन होगा, यदि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपका, मान लो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि आपने जो असेट में इन्वेस्टमेंट किए है वो असेट का ये है वैल्यू है 4 लाख, आपने 4 लाख का असेट खरीदे और उसका लाइफ आपका 5 ईयर, लाइफ इसका कितना है 5 ईयर, 5 साल का लाइफ है, और आपका जो दे रखा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स दे रखा है आपको किस तरीके से, ईयर ईयर लिखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो किस तरीके से दे रखा है आपका, इनमें दे रखा है ईयर 1 में 1 लाख, जबकि ईयर 2 में 1,20,000, और आपका ईयर 3 में आपका देखोगे तो 160, 160, 160, इसमें 170, और ये आपका देखोगे तो आपका 2 लाख। तो मतलब टैक्स आपका दे रखा है 40% और डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो रहा है SLM मेथड। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि किस तरीके से है कि आपको एक असेट में इन्वेस्टमेंट करना है वो 5 लाख, आपका जिसका लाइफ कितना है 4 ईयर, और आपका प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, और आपका इनकम भी दे रखा है किस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। और यदि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट ARR, तो हम भाई ARR कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है तो हम आफ्टर करेंगे। तो हम यहीं पे बता रहे हैं भाई पहले साल का ईयर का कितना प्रॉफिट है आपका 1 लाख, दूसरे साल का आपका 1,20,000, तीसरे साल का 1,60,000, फिर 1,70,000, फिर आपका 2 लाख, 5 साल का प्रॉफिट है। तो आप इसमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो आप देखो सबसे पहले आपको निकालना है कि भाई डिप्रिसिएशन कितना होगा। इस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है तो डेप्रिसिएशन होता है ओरिजिनल कॉस्ट आपका कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख अपॉन में लाइफ 5, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपका आ गया 80,000। तो आप इसमें सब में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 80,000 80,000 माइनस हो गया, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 20,000 40 80 90, एंड देन 80 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 120। अब आपका टैक्स, टैक्स कितना परसेंट है 40%, तो 40% माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ 8,000 माइनस हो जाएगा तो 12,000 बचेगा, तो यहाँ पे 16 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा 24, आपका यहाँ 32 माइनस हो जाएगा तो 48 बचेगा, यहाँ 36 माइनस हो जाएगा तो आपका 54 बचेगा, यहाँ पे आपका 48 माइनस हो जाएगा तो 72,000 हो जाएगा, तो आपका ये आ गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया तो हम एवरेज निकालें, और एवरेज निकालने के बाद आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो भाई एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट आप देखोगे तो ये 5 साल का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट कितना है 12,000 24,000 48 54 और आपका 72 डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 42,000।
अब आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाए। एवरेज प्रॉफिट समझ में आया, जितने साल का प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो अपने आप, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 पाँच साल, तो मैंने लिखाया था कि समेशन ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट आता है, समेशन ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका आपका यहाँ पे है 12-24 ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, तो इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट आया 42,000। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 4 लाख, सालवेज वैल्यू है नहीं तो डिवाइड बाय 2 तो 2 लाख, तो यहाँ पे 42/2 लाख × 100 तो आपका 21% आ गया। तो आपका ARR कितना आया, 21%। तो आपका अभी डिसीजन यदि देना है तो भाई आपको इसके लिए आपको रेट भी देना ज़रूरी है। यदि आपको मान लो यहाँ पे लिखा है कि आपने एक्सपेक्टेड रेट क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रेट मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रेट है आपका 20%, तो आपका यहाँ पे आया कितना, ARR आया आपका 21%, तो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा था पहला मेथड, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक आया पेबैक मेथड। देखो जो पेबैक होता है उसका भी ये भी ट्रेडिशनल टेक्निक होता है। तो पेबैक क्या होता है, जो पेबैक मेथड होता है, पेबैक मेथड इसको भी हम ट्रेडिशनल टेक्निक में बोलते हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट है, यदि इक्वल कैश फ्लो हुआ, इक्वल कैश इनफ्लो, तो उस केस में पेबैक कैलकुलेट होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन में इक्वल कैश इनफ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और मुझे हर बार कैश फ्लो कितना, इनफ्लो कितना आ रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है मान लो 40,000। तो आपको कोई बताया कि भाई आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया और हर साल आपको 40,000 रिटर्न आ रहा है, तो आप एकदम से पेबैक बता सकते हो कैसे, 2 लाख/40,000 तो कितना हो गया आपका 5 ईयर, तो इसका मतलब आपको 5 साल लग रहा है आपको रिटर्न करने में। तो इसका मतलब यदि आपका पेबैक में डिसीजन लिया जाए तो पेबैक जितना मिनिमम होगा तो वो उतना ही बढ़िया होगा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर दिया जाए। यदि मैक्सिमम होगा पेबैक पीरियड तो उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब आप बात आता है क्या इक्वल कैश इनफ्लो होना जरूरी है, इक्वल तो भाई ठीक है इक्वल आ रहा है, यदि और इक्वल ना हो के अनइक्वल आता है, अनइक्वल मीन्स तो आपका पूरा कैश फ्लो नहीं आता, तो इसका मतलब अनइक्वल कैश फ्लो होता है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उस केस में आपको देखो ईयर 1, 2, 3, 4 आपको मान लो दे रखा है आपका इनफ्लो, इनफ्लो आपका 30,000, 40,000, 60,000, 55,000, ठीक है। और आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेस्टमेंट मान लो 150, कितना है 1,50,000। तो अब आपका इनफ्लो जो है वो डिफरेंट है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका देखो 30,000, 40,000 और 60,000 और 55,000। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये जो है आपका क्यूमुलेटिव, इस पे इनफ्लो के बाद आपको क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है भाई, 30, 70, 130, 185। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, मान लो आपका इन्वेस्टमेंट 120 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब आपको 1 बीस का इन्वेस्टमेंट है, तो आपका इसका मतलब आपका 1 बीस का इन्वेस्टमेंट है तो कितना साल लग जाएगा, ईयर आपका देखो 2 ईयर तो है ही, प्लस थर्ड ईयर में आपको कितना चाहिए, 70 आ गया तो 50 चाहिए, तो 50,000, और थर्ड ईयर में आपका रिटर्न है 60,000, तो जितना भी आएगा 2 पॉइंट समथिंग ईयर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 120 है तो आपका 2 साल तो है हो चुका है, क्योंकि 2 साल में आप तो कवर कर चुके हैं, प्लस आपको शॉर्टेज पड़ गया 50,000, तो आपका नेक्स्ट ईयर रिटर्न है आपका 60,000, तो 50,000/60,000 2 पॉइंट समथिंग इज टू जो भी आ जाएगा इतना ईयर। अब यदि मान लो यहाँ पे 150 होता,
यदि मान लो इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट आपका 150 होता, तो आपका पेबैक कैसे निकलता भाई? 150 के लिए थर्ड ईयर तो है ही, प्लस 130 20 सेटेस पड़ा, तो 20,000 अपॉन में नेक्स्ट ईयर रिटर्न कितना है आपका, इनफ्लो 55, तो 3 point something ईयर। तो इस तरीके से आपका कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो प्रॉफिट है, इसमें कौन सा प्रॉफिट है? उसमें प्रॉफिट जो आ रहा था वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बट एक चीज ध्यान रखो, अब जो प्रॉफिट आएगा, ये चीज जो इनफ्लो है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स तो है बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। और आपको जैसे पता है कि भाई डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, और ये हम कैश फ्लो वाला टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, और कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपको बिफोर लेना है। अब बात आता है भाई बिफोर लेने के लिए, तो डेप्रिसिएशन तो जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक टैक्स भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको यदि ये नहीं दे रखा है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यदि आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, तो आप सबसे पहले लेस करो डेप्रिसिएशन, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करो टैक्स, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसके बाद आप इस डेप्रिसिएशन को फिर ऐड बैक कर दो, तब जाके आपके पास पहुंचेगा यही वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि जिसमें आपको पेबैक का वो निकालना है। सपोज मान लो आपको दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट है, तो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देते हैं कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, इन्वेस्टमेंट आपका प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मान लो आपका 80,000, कितना है 80,000, और आपको दे रखा है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है आपका, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, बट बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन आपका दे रखा है कितना, आपका दे रखा है 8,000 और 14,000, 30,000, 14,000, 30,000, 32, 32 and 45. तो इस तरीके से आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट दे दिया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, तो इसका मतलब हमें तो यही चाहिए। तो इसके केस में आपको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कैसे कर लोगे? ईयर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपका रिटर्न किस तरीके से भाई, आपका रिटर्न आपका 8,000, 20,000, आपका 14,000, आपका 30,000, आपका 32,000 और आपका 45। तो हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट क्यूमुलेटिव निकालेंगे। क्यूमुलेटिव निकालेंगे किस तरीके से? क्यूमुलेटिव निकालेंगे ऐसे, 8,000, 28,000, 28 + 14, 42, 72, 104 और आपका 149। अब आपको पेबैक निकालना है, तो पेबैक का क्या होता है? पेबैक ये होता है कि भाई कितने साल में रिटर्न हुआ, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 80,000 है, तो 4 years तो है ही, प्लस आपको 8,000 सटेज पड़ा, तो नेक्स्ट ईयर 32,000 रिटर्न है, तो 8,000 upon 32,000, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 4 point something ईयर। तो इसको हम बोलते हैं पेबैक। तो ये था आपको डायरेक्ट दे रखा था। यदि मान लो इसमें डायरेक्ट नहीं दिया होता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो उस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना होता? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको क्या दे रखा है? आपको एक दे रखा है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेज मशीन, हाँ, एक मशीन खरीद रहा, मशीन का कॉस्ट है, मान लो आपका मशीन का कॉस्ट 60,000 कॉस्ट है मशीन का,
और आपका लाइफ कितना दे रखा है, कॉस्ट 60,000 और आपका लाइफ दे रखा है 5 ईयर। लाइफ कितना है 5 ईयर, 5 साल का लाइफ है आपको दे रखा है। कि आपका जो कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना दे रखा है आपको 30,000, 24,000, 22,000, 24,000, 22,000, थर्ड ईयर में 22 और फोर्थ ईयर में 20, देन आपका 14, आपको ये दे रखा है। और कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, और आपका देखो इसमें टैक्स जो दे रखा है वो 50% है, टैक्स आपका कितना है 50%। तो उस केस में कैसे निकाले, तो पहले आप देखो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो आपका ईयर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच साल का बना दो, तो आपको क्या क्या दे रखा है भाई, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन 30,000, देन 24,000, देन 22,000, देन 20,000, देन 14,000 आपको दे रखा है। अब सबसे पहला आता है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना होगा, डिप्रिसिएशन होगा 60,000 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब आपका 12,000 हो गया डिप्रिसिएशन, तो आप सब में 12,000 लेस कर दो, 12,000 लेस हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट ये आ जाएगा 18,000, 12,000, 10,000, 8,000 और 2,000। अब आपका टैक्स कितना है 50%, तो 9,000, 6,000, 5,000, 4,000 और 1,000, तो आपका ये आ जाएगा, माइनस करने के बाद वही अमाउंट आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे 50% 5,000 था और यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे आपका 1,000। अब आपका क्या दे रखा है भाई, आपका डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, तो डिप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपका ये 12,000 सब में ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 21,000, ये आ जाएगा 18,000, यहाँ आ जाएगा 17,000, यहाँ आ जाएगा 16,000, यहाँ आ जाएगा 13,000, तो आपका ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे, तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव जब हम निकालेंगे तो ऐसे ही चलेगा, आपको इस ये में आ जाओ, क्यूमुलेटिव कैसे निकाला जाए भाई, पहले 21,000 आएगा, फिर 21,000 के बाद 18 तो प्लस कर दो, तो 8×9 39,000, फिर 17,000 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 56,000, फिर आप प्लस करो तो 72,000, 56, फिर 72, फिर 85, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 60, तो आपका यहाँ तो 1, 2, 3 ईयर तो है ही, प्लस आपको कितना है 56 है, तो इसका मतलब आपको 4,000 शॉर्टेज पड़ा, तो 4,000 शॉर्टेज पड़ा तो नेक्स्ट ईयर आपका 16,000 का रिटर्न है, तो 4,000 शॉर्टेज पड़ा, 4,000 upon 16,000, तो 3 point something ईयर। तो इसी तरीके से हम पे बैक मेथड कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये कैश फ्लो टेक्निक का डिस्काउंटिंग टेक्निक शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम NPV बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो जब NPV हम कैलकुलेट करेंगे तो NPV किस तरीके से होगा भाई, यहाँ पे बस देखो कितना फर्क है, आपको ईयर दिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, और आपको एक चीज़ बता दूँ, इनफ्लो का मतलब वही हो गया कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, तो ये हर जगह यूज होगा जितने भी कैश फ्लो वाला आइटम है। तो आपका इनफ्लो मान लो 30,000 दे रखा है, 25 दे रखा है, मान लो ऐसे ही ले लेता हूँ 20,000 दे रखा है, 25,000 दे रखा है और मान लो 30,000, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, इन्वेस्टमेंट मान लो आपका था 150। जब आप NPV कैलकुलेट करते हो तो NPV कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको इनफ्लो तो निकालना है, यदि नहीं दे रखा है तो निकालोगे वही, क्योंकि आपको आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन चाहिए। अब आता है कि भाई आपका जो डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन होगा, ये डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये कैश फ्लो टेक्निक में मॉडर्न टेक्निक है, तो इसलिए ये आपका मनी वैल्यू को कंसीडर करता है, आने वाले दिन में जो मनी वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में आपका डिस्काउंटिंग मतलब आज का 1 रुपया कल का कितना है, तो वो गिवन होगा,
तो आपको क्वेश्चन में तो मिल जाएगा, बट आप इस तरीके से है कि आपका जैसे ₹1 का वैल्यू ₹1 टूडे, तो उसको एक साल के बाद मिलेगा तो क्या वैल्यू है, दो साल के बाद वैल्यू मिलेगा तो क्या होगा, तीन साल के बाद वैल्यू मिलेगा तो क्या होगा। और यदि डिस्काउंटिंग रेट यदि 10% है, 5% है, 6%, 11% है, 15% है, तो इसी तरीके से, तो इसका मतलब डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन होगा। आप किस रेट से सोचते हो कि आपका जो आज का ₹1 कल का ₹1 से कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो आपका मान लो 10% दे रखा है, तो 10% में तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटिंग एग्जाम में तो गिवन होगा, बाकी आपको टेबल दिया होगा, तो इसको हम एनुइटी टेबल से देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको दिया होगा कि भाई 0.909, तो मतलब ₹1 का वैल्यू एक साल के बाद 909, फिर 8 to 6, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टेबल जो कैलकुलेट होगा आपका, यदि बुक में दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा आप मोबाइल से सॉरी कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो डिस्काउंटिंग में होगा तो आपको इसमें टेबल A3 में गिवन है, टेबल A3 आप देखोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10%, तो 0.909, 0.826, 0.751 और 0.683 और आपका 0.621। तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ, इसका मीनिंग ये है कि आपको यदि ₹1 एक साल के बाद मिलेगा तो ये है, दो साल के बाद मिलेगा तो उसका वैल्यू एक्चुअली 82 पैसे के बराबर है, तीन साल के बाद मिलेगा तो ये है, चार साल के बाद मिलेगा तो ये है, तो इस तरीके से वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आज का जो ₹1 है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसका मतलब आपको ये गिवन होगा तो आपको कोई लर्न नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन में दे देता है और डिस्काउंटिंग रेट भी दे देता है और प्लस किस साल कितना है उसका वैल्यू वो दे देता है। तो आपको क्या निकालना है एनपीपी में, एनपीपी में आपको निकालना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किस तरीके से निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इस तरीके से 30,000 इंटू 0.909, तो आपका मल्टीप्लाई करते रहो, इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब आपका एनपीपी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। यदि ये पॉजिटिव में आया, क्या आया, पॉजिटिव में आया तो उसको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज रिजेक्ट, यदि नेगेटिव में आया तो उसको आप रिजेक्ट करोगे। तो एनपीपी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो ये टोटल आ जाएगा सम टोटल, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे आते रहेगा, तो इसको जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 150, तो इस तरीके से आपका एनपीपी आ जाएगा। बट ये एनपीपी टेक्निक ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, जब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है तो उस केस में एनपीपी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। तो नेक्स्ट टेक्निक होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI मेथड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड क्या होता है, बस इसके में क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक है तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टेक्निक के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो PI को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यहाँ डिवाइड करोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यदि ग्रेटर देन 1 तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, यदि लेस देन 1 तो उसको रिजेक्ट कर लेना। तो बस दोनों में ज़्यादा सिमिलरिटी है, कैलकुलेट तो सेम उसी तरीके से करोगे भाई, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो निकाल लो, बस एनपीपी में माइनस करोगे, जबकि पीआई में आपको क्या करना है वो दोनों का वो करना है कि ग्रेटर डिवाइड करना है भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यदि ग्रेटर देन 1 तो एक्सेप्ट कर लेना, लेस देन 1 तो उसको रिजेक्ट कर लेना। कोई क्वेश्चन है कि आपको इसमें क्या निकालना है, आपको एनपीपी निकालना है और एक पीआई निकालना है, एनपीपी आपको एनपीपी निकालो और देन पीआई। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, इन्वेस्टमेंट आपका 3 लाख है और इनफ्लो आपका किस तरीके से आपको दे रखा है, 60,000, 60,000, 90,000, देन 90,000, फिर आपका 1 लाख। तो आप देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन होगा भाई, कितना डिस्काउंट रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साल से दूसरे साल में कितना डिस्काउंट रेट है, तो वो देने के बाद हमें आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है कि भाई डिस्काउंटिंग रेट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो देखो। आपको यहाँ पे आप बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो आपका 10% है, 10%, तो आपको तो एग्जाम में गिवन होगा,
बाकी यदि मान लो दे भी नहीं रखा है तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो 10% है तो 1/1.1, तो 1 ईयर का आ गया, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरीके से। मान लो 11% है, 1/1.11, जितने साल है उतने साल चलते जाओ। और मान लो 12% है, 1/1.12, तो इस तरीके से आप जितने बार इसको इक्वल वाला कलम को वो करते रहोगे तो वो आते रहेगा। लेकिन ये जरूरत नहीं पड़ेगा, फिलहाल आपको गिवन होगा, तो आपको टेबल दिया होगा तो आप टेबल से देख लो। तो इसका क्या होगा, आपका जैसे आपको मैं बताया था कि भाई एक रुपये का दिया होगा तो 0.909, तो नेक्स्ट ईयर में आपका कितना है, 0.826, 0.756, 0.683, 0.683, 0.621, देन आपको क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, कैश फ्लो का कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करते रहो, मल्टीप्लाई करके मैं आपको टोटल बता देता हूँ। टोटल है आपका तो 30147, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे तो 60,000 जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली एक साल के बाद होगा, तो आज के डेट में 54540 उसका वैल्यू है। जो आपका दिख रहा है आपको 60,000 दो साल के बाद, वो आज के डेट में 49560। तो इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे तो ये आ जाएगा आपका 301470। तो इतना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है एनपीवी। तो भाई एनपीवी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो आपका एनपीवी आ जाएगा 301470, जबकि आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो आपका 3 लाख, तो आपका 1470 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो डेट मीन्स आपको एक्सेप्ट करना है। यदि हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, दूसरा मेथड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पीआई मेथड। तो पीआई मेथड से क्या हो जाएगा, पीआई मेथड से होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ओपन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो आपका आ जाएगा 301470 ओपन में 3 लाख, तो इससे भी आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इससे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बस एनपीवी और पीआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एनपीवी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एनपीवी में क्या होता है कि माइनस होता है इनफ्लो से आउटफ्लो, और जबकि पीआई में डिवाइड करोगे और यदि वो ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट। तो ये था आपका एनपीवी एंड पीआई। अब हम लास्ट टॉपिक में चलते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका आईआर। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट मेथड है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम बोलते हैं आईआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो आप एक बार देखो कि इसमें किस प्रोसीजर से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें एक स्टेप वाइज चलते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फेक पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड आपको पेबैक पीरियड बता चुका हूँ। अब यदि फेक पेबैक पीरियड हम निकालते हैं तो वो किस तरीके से होगा, वही फॉर्मूला होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में एवरेज एवरेज इनफ्लो, तो आपको गिवन होगा तो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज आपको आउटफ्लो दिया होगा तो आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो ये फेक पेबैक पीरियड मान लो 3.256 ऐसे कुछ आया, तो उसके मतलब अब आपको स्टेप टू में चलना है, सेकंड स्टेप में। क्या सेकंड स्टेप में, आपको लोकेट करना है, लोकेट ये कौन सा क्लोजेस्ट फिगर, क्लोजेस्ट फिगर आपको लोकेट करना है कि भाई इसका नज़दीक कौन सा है जो कि फेक पेबैक पीरियड में आ रखा है। मान लो ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 ईयर में, तो आप ये 5 साल में 5 ईयर में सर्च करोगे, किस में सर्च करोगे, 5 ईयर में सर्च करोगे एन्युइटी टेबल में, कौन सा टेबल में, एन्युइटी। तो आप बुक में होगा तो आपका एन्युइटी टेबल दिया होगा, तो एन्युइटी टेबल में आप उसको सर्च करोगे, तो एन्युइटी टेबल में कितना होगा कि भाई इसमें 5 साल में 3.256 लोकेट करना है कि 3.256
कहाँ है, तो उसको इसका नियरेस्ट लोगे, नियरेस्ट आपका मान लो फॉर एग्जांपल मान लो नियरेस्ट में 16% मिला तो आप 16% उठाओ। नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड एनपीवी, आप जैसे एनपीवी कैलकुलेट करते थे आप इस तरीके से एनपीवी 16% पे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें प्रोसीजर वही है, जितना साल का डाटा दिया होगा वो करो, आपका इनफ्लो आपको गिवेन होगा, इनफ्लो लिखो और आपका डिस्काउंटिंग रेट कितना है 16%, तो 16% के हिसाब से निकालोगे, फिर आपका प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आ जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ए और बी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो अब एनपीवी क्या होगा, एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यदि पॉजिटिव हुआ, मान लो पॉजिटिव है प्लस में आया, तो आप क्या करो, अब आपको रेट को प्लस है तो आपको रेट को और बढ़ाना है, बढ़ाना कितना है, अब मान लो ये पॉजिटिव आया तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको फिर आप रेट इंक्रीज करो, रेट इंक्रीज कर दो, रेट इंक्रीज मान लो ये 16% में आपने निकाले थे, आप रेट इंक्रीज कर दिया 18% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। मान लो 18% पे हम ले कैलकुलेट करते हैं, तो फिर दोबारा 18% पे एनपीवी आप कैलकुलेट करो, जैसे 1, 2, 3, 4 आपका इनफ्लो गिवेन होगा, फिर आपका 18% का रेट के हिसाब से इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालो। अब एनपीवी आप निकालो 18% में, तो इसमें भी वही चीज़ है, इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो मतलब आप दो बार एनपीवी निकालोगे, एक लोअर रेट से एक हायर रेट से, तो उससे आपका यहाँ पे मान लो नेगेटिव आ गया, आपको नेगेटिव आ गया, तो हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तक चलना है। मान लो आपका ये कहना है कि सर हमारा मान लो फिर नेक्स्ट पॉजिटिव ही आया, तो फिर आप और आगे चलो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको लेना ही लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें फॉर्मूला आपका एनपीवी का पुट करना है, एनपीवी का फॉर्मूला की सॉरी आईआरआर का क्या फॉर्मूला होता है, आईआरआर का फॉर्मूला होता है लोअर डिस्काउंट रेट प्लस, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी जो आया है, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट अपॉन में एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस। अब भाई आपका जो 16% में पहले तो आपका दोनों में से 16-18 में से लोअर डिस्काउंट रेट 16 है, तो 16 प्लस एनपीवी जो 16% में एनपीवी आया होगा वो अपन में एनपीवी एट 16% माइनस एनपीवी एट 18% इनटू डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब 18 माइनस 16। तो इसी तरीके से एक रेट आपको आएगा, उस रेट को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है कि आपका ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है, क्योंकि हमें एक नहीं हम दो दो डिस्काउंटिंग रेट निकाल के एग्जैक्ट यहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई इतना एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये था आपका थर्ड मेथड। तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, मैं फिर आपको रिपीट कर सकता हूँ, पहले आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दिया होगा तो आप उसके हिसाब से फेक पे बैक पीरियड निकाल लो, और जो आया उससे आप क्या करो क्लोजेस्ट फिगर निकालो, भाई नियरेस्ट क्लोजेस्ट फिगर क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन में गिवेन होगा वो, नहीं तो एनुइटी टेबल से आपको कैलकुलेट होता है, भाई मान लो 3.256 5 ईयर 6 ईयर कुछ भी हो सकता है, तो जितने ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा उससे आप निकाल लो तो आपका क्लोजेस्ट आ जाएगा, फिर आप उसमें एनपीवी निकालो, फिर उसका एनपीवी यदि पॉजिटिव आया तो आप बढ़ाओ रेट को, बढ़ाओ या फिर कम आता है नेगेटिव आता तो उसको रेट को हम कम करते। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आने के बाद आप आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट मेथड आईआरआर। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करोगे तो हम और आगे से आगे और मेहनत करके और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।